तो घटनाएं हो रही हैं लगातार, कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और इतना भ्रष्टाचार, बेईमानी और इतनी कानून व्यवस्था खराब कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और आखिरकार वजह क्या है, कारण क्या है, जब जनता ने इतना समर्थन दिया और उसके बावजूद भी जनता को सुरक्षा की भावना नहीं दे पा रही है सरकार, ये सरकार असफल है। और जब कभी जनता को मौका मिलेगा इस सरकार को जनता हटाएगी। अखिलेश यादव क्या रणनीति है, पंचायती चुनाव भी है, आगामी विधानसभा चुनाव भी है, क्या रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? पंचायत चुनाव की बहुत बड़ा चुनाव होता है, बहुत करीब का चुनाव होता है, आपस का ही चुनाव गाँव का है और जिला पंचायत से लेकर तमाम स्तर के चुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत जल्दी अपने संगठन के लोगों से राय मशवरा कर करके फैसला लेगी। दिल्ली में आप मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में कह रहे थे कि एक इंच जमीन किसी को नहीं लेने देंगे। आपको ध्यान होगा एलएसी पर लगातार तनाव बरकरार था, वो कह रहे एक इंच और तनाव के बारे में वो कह रहे शांतिपूर्ण अब कहीं ना कहीं माहौल है। देखिए उस पर हम तो यही कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो चीन की सीमा को जोड़ने वाली है, हालांकि और भी हैं लद्दाख या जहाँ 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 इसका सीमा जुड़ती है वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए क्योंकि हमारी फौज कैसे जल्दी पहुँचे। जो सबसे पुरानी मांग समाजवादी पार्टी की, मैंने खुद कई मौक़ों पर मांगा है कि एक सड़क जो तमाम कैंटोनमेंट को जोड़ती है, जिसमें आपका ग्वालियर है मध्य प्रदेश से लेकर के, उत्तर प्रदेश का फतेहगढ़ है, बरेली कैंट है और जाकर के चीन के बॉर्डर तक लिपू लेक तक सड़क जाती है, वो आखिरकार सड़क इतने सालों में नहीं बन पाई। NHAI से मांग की थी, जब सरकार ने दूसरी पार्टियों से सुझाव मांगे थे उस सुझाव में भी ये समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ये लिपू लेक तक रोड 6 लेन बन जानी चाहिए। वो शायद बजट आ गया है, पैसा मिलेगा तो बनेगी, नहीं तो आखिरकार हमारी सीमा कैसे सुरक्षित रहेंगी, हमारी फौज जल्दी कैसे पहुंचेगी, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। किसानों की समस्या को कैसे देख रहे हैं? किसानों की समस्या अखिलेश जी, किसानों की समस्या कम नहीं हो रही है। किसान इसलिए दुखी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान को दुखी रखना चाहती है और अर्थव्यवस्था तभी घूमेगी, अर्थव्यवस्था का पहिया तभी घूमेगा जब हमारे किसान को लाभ होगा और उसको MSP मिलेगी। और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम किसान को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि दोगुना आय वाली MSP जल्दी देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। तो ये अखिलेश यादव हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हालांकि दिल्ली प्रदेश कार्यालय पहुंचे, तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात करो, किसानों के ऊपर करे, किसानों की समस्या जो है सरकार ने बना रखी है। कैमरामैन राहुल के साथ समाचार दिल्ली।